हाय फ्रेंड्स मैं हूं माना वेलकम टू मूवीज शो दोस्तों आप लोग बोलते थे कि यार एनिमेटेड सीरीज देखो एनिमेटेड सीरीज देखो तो एक अचानक से मैं आज स्टम्बल अपॉन किया आर के ये आज ही रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स के ऊपर और इसका एक्ट वन के अंदर तीन एपिसोड आए हैं और मैं आगे जाकर आपको ये भी बताऊंगा कि बाकी के जो छह एपिसोड हैं एक्ट टू और एक्ट थ्री के कब रिलीज होने वाले हैं बट ये मुझे काफ़ी ज्यादा जबरदस्त लगी अब देखो इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर घुसने से पहले ना आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि ये गेम के ऊपर बेस्ड है लीग ऑफ लेजेंड और ये जो गेम है ये मल्टीप्लेयर गेम है जो ऑनलाइन भी आप खेल सकते हो काफी जबरदस्त है और काफी ज्यादा इसकी फैन फॉलोइंग है और जो इसके मेकर्स हैं गेम के ओरिजिनेटर्स हैं बेसिकली राइट गेम्स हैं और उन्होंने ही कोलेबोरेट करा नेटफ्लिक्स के साथ उन्होंने बोला भैया अपनी गेम के साथ छेड़खानी मांगता नहीं है तो अपने को इसके अंदर इन्वॉल्व रखो प्रोडक्शन के अंदर हम ही एनिमेटिक्स वाले लोग लेके आएंगे हम ही आपके लिए काफी हद तक कैरेक्टर करेंगे हमी करेंगे हम ही कैरेक्टर डेवलपमेंट में आपकी हेल्प और इसी तरीके से सीरीज को बनाया गया तो आज जो हमारी डिस्कशन है वो यही है कि क्या द कोर ऑफ वीडियो गेम को रिटेन किया गया कि नहीं किया गया देखो पहले तो मुझे ये पता ही नहीं था कि सलाह ये गेम है कौन सी मैं कोई बहुत बड़ा गेमर नहीं हूँ मैं क्रिकेट विकेट ज़्यादा खेलता हूँ यार या फिर एक कार्मेडियन करके गेम आती थी बहुत पहले आ, कार रेसिंग वाली वो खेला करता था अभी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी गेम्स खेलता हूँ मैं बट ज़्यादा नहीं खेलता हूँ टाइम ही नहीं मिलता तो ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ uh, uh, है इसको समझने के लिए पहले मुझे थोड़े से यूट्यूब वीडियोज़ देखने पड़े कि लीग ऑफ लेजेंड्स में एक्चुअली होता क्या है और वहाँ पर एनिमेटिक्स किस तरीके यूज़ हुए हैं तो जब मैंने देखा तो बड़ा थ्री तरीके का विजुअल था और मुझे ये भी पता चला कि काफ़ी हद हाँ तक जो मुद्दा गेम का यहाँ पर भी रिटेन करके रखा हुआ है जहाँ पर आप दो सिटीज़ देखोगे एक समझ लो कि हाई फ्लाइंग पिल्ट ओवर तरीके की सिटी है जो कि अमीर है और वो थोड़ा क्लाउडी एरिया में ही क्लाउडी मतलब क्लाउड्स में टच करते हुए टॉल टॉल बिल्डिंग्स के अंदर है और एक जो नीचे डंजन टाइप के शहर है वो है यौन और युन के जो शहर है वहां पर मतलब आप गंदगी भी देखोगे और जैसे कहते हैं ना कि वो मतलब इट इज नॉट फ्लरिशिंग एट ऑल उस तरीके की है अब इन दोनों सिटीज़ के अंदर हमेशा लड़ाई होती रहती है अब पैरेलली आप कहानी देखोगे दो सिस्टर्स की भी और उन सिस्टर्स के अंदर की पर्सनालिटी टाइप अच्छे से डिफाइन करी गई होती है कैसे एक शायद थोड़ी सी ज्यादा मेचोर है और एक थोड़ी सी ज्यादा शायद अपनी पावर्स को लेकर थोड़ी सी सटकेल हो जाती है और उसके फ्रेंड्स क्या हो कौन कौन है कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं गेम्स के अंदर जो यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस होते हैं जो उनके फ्रेंड्स भी होते हैं और जो सिस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ जिंक्स और वाई की ये अपना अपना रोल कैसे निभाते हैं कौन ज़्यादा वाइज निकलता है वो आपको यहाँ पर देखना होता है और ये जो टेंशन जो बिल्ड हुई है इन दो सिटीज़ के अंदर वो इसलिए भी हुई है क्योंकि ना दो तरीके के चमत्कार हुए हैं यहाँ पर मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है जिसकी वजह से ये रिफ्ट ज़्यादा शुरू हो गया एक तो है कि जी मैजिकल पावर को हम हारनेस कैसे कर सकते हैं तो उससे हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं और शोध एक ग्रुप होता है जो बोलता है कि ये करना चाहिए मैजिकल पावर्स को ये हारनेस करना चाहिए और एक ग्रुप बोल रहा है कि नहीं करना चाहिए इस तरीके का डिवाइड हो जाता है और दूसरा एक ऐसा समझ लीजिए कैप्सूल या ड्रग टाइप सा आ जाता है जिसको बोलते हैं हेक्सटेक सॉरी हेक्सटेक तो हो गया मैजिकल एनर्जी वाला जो ये कैप्सूल है इसका नाम है श्रिम ड्रग और शिमर ड्रग से क्या होता है कि अगर आप इसको खाते हैं तो थोड़ा मॉन्स्टरस टाइप के हो जाते हैं मतलब ह्यूमंस को कन्वर्ट कर दिया जाता है अब उसको कैसे यूज मिसयूज किया जाता है यही आपको इस सीरीज के अंदर देखा देखना होता है जिस तरीके का नैरेटिव स्टाइल रखा गया है वो काफी कॉम्प्लेक्स है कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है तो अगर जिन गेम्स नहीं भी खेली जैसे मैंने नहीं देखी तो आप वाई का कैरेक्टर ले लो चाहे जिंगस का कैरेक्टर ले लो चाहे उनके फादर का कैरेक्टर ले लो आपको अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा एनिमैटिक्स आर जस्ट नेक्स्ट लेवल तो जिस तरीके से उन्होंने 3D का इस्तेमाल किया जिन्होंने तरीके से उन्होंने कलर ग्रेडिंग का इस्तेमाल किया वो मतलब बहुत ही जबरदस्त है अगर आप डार्क जोन के अंदर जैसे मैंने बताया कि वन ऑफ द सिटीज इज़ वेरी वेरी डार्क यान का जो है वहाँ पर आप दोस्तों देखोगे कि अगर डार्क एरिया भी है तो यूजली काला होता है लेकिन काले के अंदर भी इतनी ग्रेडिंग है काले की कि आपने कैमरा से शूट नहीं किया आपने क्रिएट किया है वो ग्रेडिंग इतनी अच्छी करी है कलर की कि आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पर सीन क्या डेवलप किया गया और आर्म्स जो इन्होंने एंडाया वो नेक्स्ट लेवल है मगर अब इसका ट्रेलर देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से इन्होंने इवन शिमर्स गोल्डन मोटिवस को भी कैसे कैसे इस्तेमाल किया गया तो वो काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त लगता है बहुत लेजर शार्प है यहाँ पर कई बार आप जब कार्टून चीजें देखते हो ना मतलब एनीमेटिक्स देखते हो तो वो राउंड होती हैं उनके एजेस यहाँ पर बहुत लेजर शार्प रखे गए हैं तो काफ़ी ज़्यादा कटिंग एज टाइप लगता है और लगता है कि यहाँ पर जनरली लड़ाई चल रही है म्यूज़िक भी बहुत ज़बरदस्त है दमदार है मतलब बैकग्राउंड म्यूज़िक तो मतलब डर वाला है तो काफ़ी ज़बरदस्त लगी मेरे को अब मैं क्योंकि गेमर नहीं हूँ मैंने जितने वीडियो देखे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि स्टैंड सीरीज एक कैसी लग रही है बट मुझे ये नहीं पता कि जो आर्किन सीरीज आई है वो अगेंस्ट अ गेम जो गेमर्स हैं वो कितना ज्यादा खरी उतरती है और लीग ऑफ लेजेंड्स के अंदर कितना उनको स्वाद आता है उस गेम को खेलते टाइम और कितना स्वाद आया ये सीरीज़ देखते टाइम क्या इसके अंदर कुछ डिसकनेक्ट थे कि नहीं थे वो मुझे नहीं पता होगा बट जिस तरीके से सीरीज़ को मैंने देखा जो मुझे तीन एपिसोड में पता चला वो मुझे ठीक ठाक लगा अब देखो ये कब कब आने वाली है ये आपको नेक्स्ट जो देखने को मिलेगी वो दिखेगी तेरह तारीख को और फिर आपको देखने को मिलेगी बीस नवम्बर को तो आप डेट नोट कर लो तो अभी आपने एक्ट वन देखा तेरह को एक्ट टू आएगा और बीस तारीख को आपको मिल जाएगा एक्ट थ्री देखने को फिर उसको भी देख के मैं अपना रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगा तो शेयर तभी कर पाऊंगा जब आप सब्सक्राइब करोगे नहीं तो फिर आप तक मेरा वीडियो मिलेगा नहीं चलो फिर फटाफट से कर लो और हम जल्दी मिलेंगे